Hey guys, welcome back to my channel. I hope all of you guys are doing extremely well. So, आज हूँ मैं एवेंजर पे, एवेंजर 160, जो कि मेरे भाई की है. और हम लोग जा रहे हैं अभी मुंबई. फिलहाल तो मैं नासिक में हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है. और ऐसे हम लोग निकल चुके हैं मुंबई जाने के लिए. राइट नाउ इट्स 6:30, ऑलमोस्ट 6:25 हुए अभी तक. तो अभी हम लोग तो निकल चुके हैं, फ्यूल अप भी हो गया हम लोगों का. चलो निकलते हैं, फटाफट हाईवे पे लगते हैं, फिर आगे कुछ है तो आप लोगों को जरूर दिखा दूंगा. अभी तो सकते हो नियॉन ग्रीन, और अपना इधर है नियॉन ऑरेंज. इसको नियॉन ही कहना पड़ेगा, ये भी वैसा ही कलर है. तो इसको टैंक बैग को भी कवर कर दिया है. तो चलो यार, बारिश तो बढ़ रही है. मेरे पास जो है वो पैंट नहीं है, रेन पैंट. बस ठीक है, चलो अभी निकले ही है तो क्या करना पड़ेगा. नहीं है तो नहीं है भाई साहब. और बारिश बढ़ गया यार, रास्ता भी थोड़ा गंदा है यहाँ पे. सो गाइस, अभी तो हम लोग हैं इगतपुरी के आसपास में ही है. और यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों को फॉग दिख रहा होगा शायद, कि कितना ज़्यादा फॉग है यार. यहाँ पे तो पूरा जो ये हिल है पूरा उसने कवर कर दिया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. सो ये देख सकते हो बहुत बढ़िया यहाँ का वेदर, क्लाइमेट जो है वो काफ़ी बढ़िया होता है. नासिक में भी अच्छा होता है और इगतपुरी में तो उससे भी बेहतर होता है. तो मतलब आप लोग अगर एक दो दिन के लिए सैटरडे संडे वैकेशन को आना चाहते हो तो आप लोग डेफिनेटली आ सकते हो. कई लोग तो आते ही है, अगर जो लोग नहीं आए तो आप डेफिनेटली आ सकते हो यहाँ पे. मैं भी प्लान करने वाला हूँ अभी. तो आप लोगों को, वैसे आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा, नहीं है तो अभी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी ऑन कर दो, ताकि न्यू वीडियो का जो आपको अपडेट मिल ही जाएगा. मैं तो करने ही वाला हूँ अभी इगतपुरी में, तो एक मेरा प्लान है एक्चुअली करने का. तो आप लोगों को पता चल जाएगा आगे क्या होने वाला है और क्या न्यू नया वीडियो आने वाला है. तो स्टे ट्यून. तो चलते हैं हम लोग भी आगे कहीं पे, देखते हैं ब्रेकफास्ट करेंगे. अभी लगभग 7:15 हुए, बट फिर अभी ब्रेकफास्ट की ज़रूरत है यार, देखते हैं कहीं पर अभी. गाइस ये रोड देख सकते हो आप लोग कि कितना गंदा है. पीछे तो और भी गंदा था, मैंने थोड़ा लेट कैमरा चालू किया. और यहाँ पे भी तो है ही गंदा रोड, क्या पता यार. टोल तो लेते हैं ये लोग पूरा सबकी तरफ से, टू व्हीलर वालों को छोड़ के, बट काम क्यों नहीं कर रहे पता नहीं. अभी बारिश का सीज़न है, इतना गंदा रोड है यार. मतलब हम जैसे टू व्हीलर वाले गिर भी सकते हैं इस रोड पर, ऐसा रास्ता है. फोर व्हीलर के लिए कुछ मतलब इतना है नहीं है, बट सच में यार करना चाहिए. अगर टोल लेते हो ना तो मतलब करना ही चाहिए. बहुत ज़्यादा फॉग है भाई साहब इगतपुरी में, काफ़ी अच्छा लग रहा है. टकरा चुके हो हमसे मुसाफिर यूं तो कहीं. काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फॉग है अभी, तो मतलब देख सकते हो कि सिर्फ यहाँ से जो है वो 100 meters इतनी ही मुझे विजिबिलिटी है, उसके आगे नहीं दिख रहा है. इसके लिए मेरा सिर्फ 60 के भी नीचे, 55 पे ही मेरा स्पीड है. तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप लोग कहीं पे ऐसे जगह पे चल रहे हो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉग है, वहाँ पे जो स्पीड है वो कम ही रखना, क्योंकि सामने कब क्या आ जाएगा उसका पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा अभी भी हम लोगों को कि आगे कुछ है या नहीं है. सिर्फ एक बात बताता हूँ, जो ये अपनी साइड वाली व्हाइट लाइन रहती है, ये हो गई यार, ये हो गई, तो सिर्फ इसी को फॉलो करके चलो, ताकि जो टर्न वगैरह कहाँ पे है वो अच्छे से समझ में आए. तो बस यही एक है कि ऐसे सिचुएशन में गाड़ी चलाने के लिए एक ही फंडा है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं. सो स्पीड तो कम ही रखना, स्पीड ज़्यादा रख के कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऐसा हो सकता है अगर स्पीड ज़्यादा है आप लोगों को विजिबिलिटी नहीं है तो मतलब आप आगे वाले गाड़ी पर टकरा भी सकते हो. तो बस इतना ही अपना क्यों ध्यान रखना है ऐसे सिचुएशन में. चलो कहीं पे रुकते आगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे. अभी तो हम लोग यहाँ पे कसरा घाट अभी स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है, छोटा सा एक वाटरफॉल चालू है जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है. यहाँ पे रुक के भी हम पानी में खेल सकते हैं छोटा सा, लेकिन अभी हम लोगों को वैसा टाइम नहीं है और अभी खेलना भी नहीं है भाई साहब, तो हम रुकेंगे नहीं. अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर आ सकते हो, लेकिन सिर्फ ध्यान रखना कि जो अपना बाइक कार जो भी हो वो साइड में अच्छे से लगाना, और जो हज़ार्ड है हज़ार्ड भी ऑन कर देना, क्योंकि यहाँ पे फॉग ज़्यादा रहता है तो उसकी वजह से जो है वो पीछे वाले लोगों को भी दिखना चाहिए.
सो अभी तो हम लोग यहाँ पे रुके, बाबा का ढाबा है ना भाई ये, बाबा का ढाबा दिल्ली वाला नहीं, ये है कसारा वाला। तो यहाँ पे रुके और हमारा ब्रेकफास्ट तो आ चुका है, मैंने डोसा लिया है और भाई ने इडली और मेदू वड़ा लिया है। तो फटाफट खाते यहाँ से और निकलते हैं, अभी बारिश भी बंद है तो काफ़ी अच्छा है, तो खाएंगे और निकल जाएंगे यहाँ। चलो गाइस अभी तो हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया है और अभी हम लोग निकल रहे हैं। चलो भाई साहब, घर से निकलते हम लोगों का 57 किलोमीटर बाइक चल चुका है और अभी नॉन स्टॉप चले जाएंगे। अभी बारिश चालू थी लेकिन अच्छा हुआ हम लोग निकले, जैसे निकले हम लोग वैसे बारिश जो है वो बंद हो गई, अच्छी बात है भाई साहब। अरे बारिश आना चाहिए लेकिन जब हमारे पास कार होती ना तभी आना चाहिए, बाइक पे नहीं आना चाहिए यार। सो गाइस अभी तो यहाँ से हम लोगों को पूरा धूप लग चुका है जो कि मेरे लिए तो काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि मेरे जो शूज़ और पैंट है ना भाई साहब वो पूरी तरह से गीला हो चुका है। तो अभी हम लोगों ने तो कल्याण में एंट्री किया है और अभी ऐसे उल्लासनगर से जा रहे हैं, हम लोगों को जाना है बदलापुर और उसके बाद देखते हैं कहाँ पे जा रहे हैं, लेट्स सी जो होगा वो आप लोगों को तो बताएंगे। इकड़े द नेक्स्ट डे गणपतीचा जय जयकार मोरिया 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 रे मोरिया रे बापा मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया रे गणपती अप्पा मोरिया गोल मूर्ति मोरिया गणपती बाप्पा मोरिया गणपती बाप्पा मोरिया 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 गणपती बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया एक दोन तीन चार गणपतीचा जय जय का सर्वांगी सुंदर उदयाची The next day. मी म्हटलं सीएनजी भराव
तो हम लोग जो है वो डैम में आए हैं अभी और काफी ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पे हम लोगों को। सब लोग जो है पानी में एंजॉय कर रहे हैं, सब लोग यहाँ पे उतरे हुए हैं पानी के अंदर, तो सब लोग काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। अभी हम लोग एंजॉय करते हैं तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। भाई ये कहाँ पे एग्जैक्टली लोकेशन? ये बदलापुर के पास चिकलोली डैम करके है। ओके, तो यही पे हम लोग आए। अगर आप लोगों को आना तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जो इसका लिंक डाल दूंगा, अगर आप लोग यहाँ पे पास में रहते हो, अगर यहाँ पे आए हो तो आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे आ सकते हो। तो चलो एंजॉय करते हैं, बाद में मिलते हैं। लोग यहाँ से निकल चुके हैं पानी के बाहर, क्योंकि जब हम लोग आए यहाँ पे कोई भी नहीं था। हम आने के बाद थोड़ी देर के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया यहाँ पे, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही है। और अभी जो है वो लगभग देख सकते हो 6:15 हुए हैं और कई ज़्यादा भीड़ भी हुई और कई सारे लोग जो है वो मतलब एक ही ग्रुप आया था जो कि गणपति विसर्जन के लिए आए थे। तो अभी हम लोगों का टाइम हुआ है, अभी अंधेरा भी हो जाएगा थोड़े टाइम में, तो हम लोग निकल गए यहाँ से, तो अभी सीधा घर पर जाएंगे। और शायद कल भी प्लान है हम लोगों का आने का, क्योंकि काफ़ी अच्छा प्लेस है, तो होपफुली अगर पॉसिबल हो तो कल भी आएंगे। जैसे कि आप लोग तो देखने ही वाले हो, अगर आपके रेगुलर व्यूअर्स हो तो देखेंगे। अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ऑन करो, ताकि नेक्स्ट वीडियो का भी आप लोगों को जो है वो नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा।